संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान। प्रचन सारम शीलन पेज नंबर 332। इसके सबसे नीचे की चार पांच पंक्तियां हैं। उपयोग संबंधी या लक्ष्य लक्षण संबंधी उक्त सात में से ग्यारहवें तक के पांच बोलों को लक्ष्य लक्षण की मुख्यता से इस प्रकार समझ सकते हैं। यद्यपि वो उपयोग संबंधी पांच बोलों को पहले ऊपर स्पष्ट कराए हैं, फिर भी उसमें उपयोग है आत्मा का लक्षण और जीव है आत्मा है लक्ष्य। तो यदि हम लक्ष्य लक्षण के संबंध का विचार करें तो बुध पांच बातें सात में से ग्यारहवें तक की उपयोग संबंधी थी, उनको इस प्रकार भी घटित कर सकते हैं। तो ये फिर एक से लेके पांच तक पांच बातें हैं ना। वैसे बोल तो है कौन सात में से बारहवें तक के, लेकिन इसमें सात में से बारहवें तक के बोलों में उपयोग संबंधी हैं सभी, और उपयोग आत्मा का लक्षण है। इसलिए लक्ष्य लक्षण की दृष्टि से यदि विचार करें तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब इन पांच को अपन पढ़ते हैं। उपयोग नामक लक्षण अपने आत्मारूप लक्ष्य का आलम्बन लेता है, उसे पर पदार्थों के आलम्बन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि उसे अब अपने लक्ष्य का आलम्बन लेगा। उपयोग लक्षण है, उपयोग मन पर्याय है, ज्ञान दर्शन गुण की जो पर्याय है उसे उपयोग कहते हैं। तो अपने आत्मा के आश्रय से होती है, इसलिए पर की आवश्यकता नहीं है। पहला तो ये है कि उसे अपने आत्मा का आश्रय प्राप्त है तो उसे पर के आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। उपयोग लक्षण अपने लक्ष्य आत्मा में से ही आता है, अतः उसे पर पदार्थ में से आने की क्या आवश्यकता है। आपको याद होगा कि कहा था कि आत्मा का उपयोग लक्षण आत्मा में से ही आता है, आप बाहर से नहीं आता है, उसका कोई अपहरण नहीं करता है। वही बातों को द्वारा रिपीट कर रहे हैं। उपयोग लक्षण अपने लक्ष्य आत्मा के आश्रय में ही रहता है, इसलिए उसका अपहरण कौन कर सकता है। उपयोग लक्षण अपने लक्ष्य आत्मा में ही एकाग्र होता है, पर पदार्थों में एकाग्र नहीं होता, इस कारण उसमें मलिनता भी क्यों हो। उपयोग लक्षण अपने लक्ष्य आत्मा को ही ग्रहण करता है, पर पदार्थों को ग्रहण नहीं करता, अतः वह पर से संयुक्त भी क्यों हो। तो ये पांच बोलें जो पर से संयुक्त होना, पर को ग्रहण करना, पर का अपहरण करना, पर को छोड़ना, ये पांच बातें लक्ष्य लक्षण की दृष्टि से इस प्रकार भी घटित कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि उपयोग नामक लक्षण न तो पर का आलम्बन लेता है, न पर में से आता है, और न पर के द्वारा अपहृत होता है, ना वह मलिन होता है, और ना वह पर से संयुक्त ही होता है। एक वाक्य में वो पांचों गोल जो सात से बारह तक घटित किए थे, फिर द्वारा एक से पांच फिर घटित किए, उन सब का सार ये तात्पर्य कहकर समय सार अनुशीलन में जिसे तात्पर्य बार बार लिखा गया है जहाँ जहाँ, ये अत्यंत उपयोगी है। उस सारे विषय को समेटने कर हम इसके द्वारा उस बात को समझ सकते हैं। एक डॉक्टर महावीर करके हैं अमेरिका में, उनने अपने जो 2100 समय सार बुलाए, समय सार वो 2100 छेड़ाला का सार ये बुलाए और अमेरिका में घर घर पहुंचाए। 2100 का मतलब आप समझते हैं, 5-5 किलो के 700 बंडल। के 5-5 किलो के क्यों गिन रहे आप? क्योंकि उस वक्त 5 किलो के बंडलों में ही अमेरिका माल जाता था और वो सस्ता जाता था। 5 किलो माल 200-300 रुपये में चला जाता था।
यदि वैसा माल जाए तो बहुत महंगा जाता है, हजारों में जाता है। इसलिए 5-5 किलो के बंडल बना के डाकखाने को 700 बंडल देना, वो डाकखाने वालों को बहुत आफत दिखती है। यहाँ से वहाँ ले जाना, फिर अमेरिका में पहुँचे तो जहाँ से उठाना, वहाँ तो यहाँ तो मजदूर मिलते हैं, वहाँ मजदूर भी नहीं मिलते हैं। तो अपने ही सब मुंगशू भाइयों की गाड़ियाँ थीं, 10-20 गाड़ियाँ लगा दी कि वे जा कर के उन बंडलों को उठा उठा के भर भर के लाएं, 3-3 चक्कर लगा कर तो उनको जहाँ पर से अपन बांटना थे वहाँ आए। वहाँ जैना का सम्मेलन था, 10,000 आदमी इकट्ठे हुए थे। अब उनमें से 2100 लोगों को वो ग्रंथ बांटने, और उसमें अपने मित्र भी होते हैं और शत्रु भी बहुत होते हैं हर जगह। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, परिचित हैं। लेकिन उनने कहा कि नहीं, हम नहीं बांटने देंगे। उनसे झगड़ा हुआ कि तुम कौन होते हो, तुम्हारी जगह है, जिसको लेना हो तो लेगा, नहीं लेना हो नहीं लेगा, लेकिन आप हम बांटने नहीं देंगे, ये कैसा कर सकते। आखिर उनकी भूमि ही लेगी। हाँ जी, वो 2100 वे समय सार और बस छाला का सार वहाँ बांटे, और वो आज भी अमेरिका के घर घर में जाकर के हमको मिलते हैं। हम जाते हैं घरों में तो हमें दक्षिण सबसे जगह ऊंची जगह होती है, वहाँ ऐसा एक पाटिया लगा कर उस पर विराजमान कर देते हैं। और जो स्वाध्याय तो जो करते होंगे वो करते होंगे, नहीं तो सब सुबह उठ के रोजी ने नमस्कार कर, मैंने पूजा जाता। हम किसी को ऐसी चीज दें जो उसके घर में आदर पाए। हमको कोई देना है किसी को ने गिफ्ट, तो उसमें कैसा विचार हमें करना चाहिए कि वहाँ पर इसकी क्या इज्जत होगी, किसकी, हमारी नहीं। अपन कहते हमारी चीज से आपको याद आएगी, तो हमने चप्पल दिए तो रोजाना वो सबसे गंदी जगह पर पड़ी रहेगी और पैरों की ठोकर रोजाना खाएगी, उसकी क्या इज्जत होगी, बोलिए। आपको कोई खाने पीने की चीज दी तो उसका क्या होगा, क्या चीज है। अब आप अपने अपने गांव में भाई को बहन को मोहल्ले में कोई भी चीज दें तो भोग की सामग्री होगी, तो भोग की सामग्री तो वो आदमी अपने लिए खुद खरीदता है, लाएगा खरीद कर, लेकिन ये समय सार खरीद के कोई ले जाने वाला नहीं था। और इसका कोई करेगा तो स्वाध्यायी तो करेगा है? और शास्त्र है, हम दिगंबर जैन को दे रहे हैं तो इतना विवेक तो हरेक में होता ही है, उसकी उचित विनय तो करेगा ही। तो वो उचित विनय के साथ वहां था। मैंने बात ये नहीं सुनानी थी, मुझे ये बताना है कि वो डॉक्टर महावीर इसका स्वाध्याय भी करते हैं बहुत, आजकल तो बहुत बीमार हैं। तो वो मेरे से बार बार कहते हैं कि मैं जब इसका स्वाध्याय करता हूँ तो सबसे पहले तात्पर्य यह है कि पढ़ता, उस पर निशान लगा के रखता हूँ और ये पढ़ता हूँ, हर एक तात्पर्य है, फिर बाद में गाथा अर्थ टीका जो भी पढ़ता हूँ बाद में, क्योंकि मैं ये पढ़ लेता हूँ तो मुझे सब अर्थ समझ में आता जाता है, और ये नहीं पढ़ता हूँ तो नहीं आता है। सबसे लिखा तो ये सबसे लास्ट में है, और अब सबसे लास्ट में पढ़ूँ तो तब तक तो कितनी मेहनत हो जाती है और समझ में आता नहीं, इसलिए मैं सबसे पहले इसे पढ़ता। और इसको वे सबसे कहते भी हैं कि तुम ऐसा करो ऐसा करो तो तुम्हारी समझ में आता। अभी आपने देखो ये पिछले एक पेज है, एक पेज कहाँ से शुरू हो रहा है, ये सात में से नौ में बोलते हैं ना, यानी कौन सा पेज नंबर 331 से नीचे की दो लाइन है, और फिर यहाँ से वहाँ तक आया है जो पांच लाइनें छोड़ दो, मैंने निर्लेप तत्व है, मैंने लगभग एक पेज हो गया है।
इतना का विषय है, इसको फिर इन पांच में बांधा। तो ये पांच मिला करके संयुक्त क्यों हो, ये तात्पर्य इन डेढ़ पेज का वो है सारांश। अब डेढ़ पेज में जो बात कही है वो अभी देखो, यदि डेढ़ लाइन में लिखी तो उसमें से क्या छूट गया, देखो विचार करो। तात्पर्य यह है कि उपयोग नामक लक्षण ना तो पर का आलंबन लेता है, ना पर में से आता है, ना पर के द्वारा अपहृत होता है, ना वह मलिन होता है और ना वह पर से संयुक्त होता है। सब इतना हमें याद रहा तो समझ लो डेढ़ पेज हमें याद है। और यदि हमने इसे समझ लिया तो फिर अपन ऊपर को मुंह करके भी प्रयत्न करेंगे तो भी ये डेढ़ पेज का अर्थ पूरा निकाल लेंगे। पांच ही बातें तो बताना है ना, कि उपयोग नामक लक्षण आत्मा में से ही आता है, आत्मा कोई जानता है, आत्मा में से कोई ले नहीं जा सकता, अपहरण नहीं कर सकता, ये सब पांच बातें ही है ना। तो ये इसमें आ गया। अब ये बारहवां और तेरहवां बोले ना, बीस बीस है ना, अलिंग ग्रहण संबंधी गुरुदेव ने बोल कहते थे, बोल गुजरात में बोल कहते हैं, अपने पॉइंट 20 पॉइंट है, क्या कहें, बिंदु है। आत्मा विषयों का उपभोक्ता नहीं है, इस अर्थ में प्राप्त कराने वाले बारहवें बोल में ये अर्थ निकालते हैं ना, आत्मा विषयों का उपभोक्ता नहीं है, कि जिसके लिंग अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण अर्थात उपभोग नहीं है, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। अब ये आत्मा पांच इंद्रियों के विषय भोगों को नहीं भोगता है, अपन तो दिन रात देखते हैं। तो वो कहते हैं कि पांच इंद्रियों के माध्यम से खाना भी खाते हैं, सब करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये आत्मा का स्वभाव में नहीं है। समय सार का संवर अधिकार और उसमें एक गाथा है, उसका जो अर्थ लिखा है आचार्य निषाद 120 में क्या है, ऐसा कुछ है जो भी है, कि स्वभाव मात्रम किल वस्तु, कि वस्तु स्वभाव मात्र को कहते हैं। कोई वस्तु है तो जैसे मान लो आत्मा है तो उसमें स्वभाव भी है, विभाव भी है, विकार भी है, उसमें संयोग भी है, अनुकूल संयोग भी हैं, प्रतिकूल संयोग भी हैं, लेकिन ये सब हैं तो, लेकिन वस्तु उन वो चीज उनमें जो अकेला स्वभाव है उसको कहते हैं। एक शब्द है स्वभाव मात्रम किल वस्तु, जो उसका स्वभाव है वो है, बाकी चीजें पर हैं। फिर उसमें दिया है स्वभाव मात्रम किल वस्तु, तो कहते ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, इसलिए ज्ञान ही आत्मा है। ये सिद्धांत घटित किया वहां पर। तो ये यहां कहते हैं कि ये सब हम ऐसी बातें लिखी हैं कि हम कैसे नहीं भोगता है, दिन रात तो भोगते हैं हम, तो वो कहते हैं इसका भोगना आत्मा का स्वभाव नहीं है, हम तो तुम्हें आत्मा का स्वरूप समझा रहे हैं ना। अलिंग वो आत्मा कैसे ग्रहण करने में आता है, माने उस आत्मा का ग्रहण हम कैसे करें। समय सार में प्रश्न किया था ना, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से कर से विभक्त किया उसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण, तो ग्रहण करो वहां भी आया ना, और यहाँ भी अलिंग ग्रहण, यहाँ भी वही ग्रहण की बात है, उसी आत्मा को ग्रहण करना है। तो वो कहते हैं ऐसा कोई चिन्ह नहीं है कि जिसके माध्यम से इसे हम ग्रहण कर सकें, अलिंग ग्रहण, लिंग माने चिन्ह और ग्रहण माने जान सकें, समझ सकें कि ये है और आ माने नहीं है। तो वो कहते हैं कि पांच इंद्रियों के जो विषयों को ये भोगता है, तो भोगता तो है,
लेकिन वो पांच इंद्रियों के भोगने से हम आत्मा हमारी पकड़ में आ जाएगा ऐसा नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, पांच इंद्रियों के भोग तो सभी संसारी प्राणी निरंतर भोग ही रहे ना, तुम्हें आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होगा? यदि पांच इंद्रियों के भोगों के भोगने से आत्मा का ग्रहण होता होता तो हो ही जाना चाहिए था ना, नहीं हुआ ना। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा का ऐसा स्वभाव नहीं है कि इन पांच इंद्रियों के भोगों से ग्रहण करने में। अब इसी को वे उदाहरण दे रहे हैं कि आत्मा माता के रज और पिता के वीर के अनुसार होने वाला नहीं है। इस अर्थ की प्राप्ति कराने वाले 13वें बोल में, 12वां बोल तो वो था, कहते हैं माता पिता के रज वीर से मैं उत्पन्न हुआ, मेरे देह उत्पन्न होती है लेकिन उसे अपन मैं ही उत्पन्न हुआ ऐसे ही बोलते हैं ना, और आखिर हम उन माता पिता को अपने ही माता पिता मानते हैं, थोड़ी ये देह के माता पिता हैं। यदि हम इस विवेक से समझ भी लें यहाँ, तो हम व्यवहार की भाषा में थोड़ी प्रयोग करते हैं, वो अंदर में समझ रखते हैं और कभी समझाना हो तो समझाएंगे भी, लेकिन आखिर ऐसा थोड़ी कहेंगे कि हे पिताजी आपके रज वीर से हमारी ये देह उत्पन्न हुई है, ऐसा थोड़ी कहते हैं। जो भी व्यवहार है तो हम आपकी ही संतान हैं, आपसे ही पैदा हुए हैं, हैं? हमारी रगों में आपका ही खून दौड़ता है, ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ। तो माता पिता के रज और वीर से अनुसार होने वाला नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति कराने वाले 13वें बोल में यह कहा गया है कि जिस आत्मा के लिंग अर्थात मन और इंद्रियों इंद्रियादि लक्षणों के द्वारा ग्रहण अर्थात जीव का धारण किए रहना नहीं है, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। माने पांच इंद्रियों मन से हमारा आत्मा रहता है और नहीं तो हम खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं ना, जैसे अपन बोलते हैं, ऐसा आत्मा नहीं है। उपभोग संबंधी उक्त दोनों बोलों का निष्कर्ष यह है, फिर आ गया कोई निष्कर्ष है, माने तात्पर्य है ना, दो बोलते हैं 12वां और 13वां है। निष्कर्ष यह है कि आत्मा पंचेंद्रिय के भोगों का भोगता नहीं है, स्पर्श इंद्रिय के भोग से मिले हुए रज और वीर की रचना भी नहीं है, क्योंकि रज और वीर के सम्मिश्रण का फल तो देह की रचना है और आत्मा तो देह से पूर्णता भिन्न ही है। अब इसी बात को और कोई चल रहा ना, देह रज और वीर की बात आई ना, तो फिर एक दो बोल और ऐसे ही है। 14वां और 15वां देखो, मेहनाकार और अमेहनाकार संबंधी इन बोलों में यह स्पष्ट किया जाता है कि आत्मा ना तो लौकिक साधन मात्र है और ना पाखंडियों के प्रसिद्ध साधन रूप आकार वाला है, लोक व्याप्ति वाला है। देखो मैं इसे पढ़ के ही बताता हूं आपको। लिंग माने अर्थात मेहनाकार का ग्रहण जिसके नहीं है वह अलंग ग्रहण है। तो लिंग माने यहाँ पुरुष की गुप्त इंद्रिय, लिंग माने जननेन्द्रिय, इसको मेहन कहते हैं। मेहनाकार माने ये भगवान आत्मा मेहनाकार नहीं है। ये लोग तो मानते ना जैसे शिव जी का लिंग बना दिया उसको ही पूछते हैं, और शिव जी को इसी के आकार का मानते हैं उनकी दृष्टि में, और उसके आकार के समान जिसका आकार है उसे मेहनाकार कहते हैं। ऐसा मेहनाकार जिसके नहीं है वह आत्मा अलग ग्रहण है। कहते वो आत्मा मेहनाकार, जगत में कुछ लोग कहते हैं मानते होंगे कई उसी से उत्पन्न होता है, वो ही निमित्त है इसलिए उसका आकार है। तो कहते मेहनाकार और अमेहनाकार से आत्मा का ग्रहण नहीं होता। पुत्रादि की उत्पत्ति के साधन को लौकिक साधन कहते हैं वो, और जिस प्रकार मेहनाकार अर्थात लिंगाकार पुत्रादि की उत्पत्ति का साधन मात्र है, उस प्रकार लौकिक साधन मात्र आत्मा नहीं है। जैसे मनुष्य पैदा होता है तो उसमें साक्षात निमित्त पुरुष का लिंग होता है, तो ऐसा कोई लिंग नहीं है जिससे आत्मा की उसकी उत्पत्ति होती हो।
देखो ध्यान से देखने की बात यह है कि यहां लिंग का अर्थ मेहनाकार और अमेहनाकार दोनों किया है। अब कहने पुरुष की गुप्तेंद्री के आकार को मेहनाकार कहते हैं और लोक व्यापी आकार को अमेहनाकार कहते हैं। अभी इनके यहां पर ऐसा मानते हैं कि अपना आत्मा संपूर्ण विश्व में व्यापक है, तो जैसे संपूर्ण विश्व का जो आकार है वो आत्मा का आकार है, तो वो हो गया अमेहनाकार। मेहनाकार माने पुरुष के लिंग के आकार का, और अमेहनाकार माने उससे भिन्न आकार का, तो उससे भिन्न आकार का वो ही माना जाता है सारे लोकाकार में। अपना तो ऐसा मानते हैं कि शरीर प्रमाण शरीर के आकार में आत्मा रहता है और सिद्ध दशा में किंचित नून उसमें आत्मा रहता है। देखो आत्मा के संबंध में अनाकार है निराकार है, कैसा आकार वाला है, तो अपने आता ना एक प्रदेशत्व नाम का गुण है और उसका अर्थ है कि ये आत्मा किसी ना किसी आकार में अवश्य रहता है। तो पहले आकार वाला हो गया, अब कहते अनाकार कि वो आकार इसका नहीं है, इसका होता तो सदा इसके साथ रहता, तो अनाकार हो गया। फिर कहते हैं निराकार, निर्गतो आकारायससा, पहले आकार था और अब आकार नहीं है। सिद्ध भगवान वो देह में था तो देह के आकार था और देह निकल गई तो हालांकि वो देह के आकार ही रहा, फिर उसे वो निराकार कहते हैं, आकार नहीं है। निराकार अनाकार असाकार, तो ऐसा आत्मा को तीनों तरह का बताया गया है, तो हमको उसकी अपेक्षाएं समझनी चाहिए और उसका स्वरूप हमारे ख्याल में आना चाहिए कि ये असंख्यात प्रदेशी है, तो निश्चय से तो ये असंख्यात प्रदेशी है। निश्चय वाला कभी कोई आकार नहीं बताता, वो ऐसा नहीं कहता हम फोटो बना दो और ऐसा है, लेकिन व्यवहार में फिर ये तीन हो गए। वो देह के प्रमाण हो गया, तो जो भी देह में रहेगा तो देह तो अनंत होती है, अनंत देहों में रहा है ना अभी तक, तो उनके आकार में रहा है अभी, लेकिन उतने ही नहीं उससे भी अनंत गुणे आकार वाला है। क्यों? जैसे मैं इस मनुष्य देह में हूं ना, तो मैं अभी मनुष्याकार हूं, ठीक है आप लोग भी हैं, लेकिन अकेली बात इतनी ही नहीं है, मैंने ऐसा हाथ उठाया तो आत्मा का ऐसा आकार हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे जितनी भी हलचल होती है वो उतने आकार में, एक आकार जो मेरी जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर देह का संयोग है, उसके कितने आकार बदलते हैं आप समझ लो, चलते हैं बैठते हैं उठते हैं, हाथ आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, बहुत हो गए। अभी उतना ही नहीं, आप सांस लेते हो तो पेट फूलता है, फिर पेट दबकता है, तो उसी के अनुसार वो आकार भी बदलता है कि नहीं बदलता है। सांस लेते हो और जो भी, तो कितने आकार बदले बोलिए। अभी इतने देह के आकार की हम बात करें तो क्या निर्णय करके पहुंच सकते, कौन से आकार को कहे, है ना? फिर सिद्ध सलाह में जब देह नहीं रहेगी तो उसमें भी तो भी अनाकार, लेकिन असंख्य प्रदेश है, इसलिए बिल्कुल आकार से रहत कह नहीं सकते। प्रदेश सत्गुण कहते ही उसे हैं कि जो किसी ना किसी आकार में रहे, इसलिए निश्चय से असंख्य प्रदेशी और व्यवहार से स्वदेह प्रमाण, इधर संसारी जीव की है और प्रसिद्ध जीव की अलग है। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? देखो ध्यान से देखने की बात यह है, यहाँ लिंग का अर्थ मेहनाकार और अमेहनाकार दोनों किया है। पुरुष की गुप्तेंद्री के आकार को मेहनाकार कहते हैं और लोक व्यापी आकार को अमेहनाकार कहते हैं। यह भगवान आत्मा केवली समुद्रगात के काल को छोड़कर शेष काल में लोक व्यापी आकार वाला नहीं है। अब वो भी अपने यहाँ एक समय तो है ना केवली समुद्रगात में संपूर्ण लोक के आकार वाला, क्योंकि संसारावस्था में तो यह प्राप्त देह के आकार में रहता है
और सिद्धावस्था में किंचित नून अंतिम देह का रहता है। इस प्रकार आत्मा अमेहनाकार भी नहीं है, इस प्रकार मेहनाकार नहीं है इसलिए भी अलंग्रहण है, और अमेहनाकार नहीं है इसलिए भी अलंग्रहण है। अभी इस शब्दों को जो उदाहरण दिया है लोग में अश्लील माना जाता है, अपने यहाँ तो समझ लो आप इतने गंभीर हो गए हैं इस तत्व को की चर्चा करते करते कि अपन इतनी सरलता से इस बात को कह भी देते हैं, आप लोग सुन भी लेते हैं, फिर कोई भी प्रकार की चंचलता किसी के चित्त में पैदा नहीं होती है। लेकिन साधारण पब्लिक में तो इस बात को कहना ही मुश्किल है। अब सोलहवें बोल में, इस सोलहवें बोल का सीधा साधा अर्थ यह है कि यह भगवान आत्मा द्रव्य भाव, द्रव्य और भाव से ना तो स्त्री है ना पुरुष है ना नपुंसक है, तीनों लिंगों से रहत है, तीनों लिंगों को ग्रहण नहीं करता, इसलिए अलिंग ग्रहण है। अब यहाँ पर स्त्री पुरुष इनको भी लिंग कहते हैं। देखो इनका दिमाग कहाँ कहाँ दौड़ा, उसको मेहनाकार को लिंग कहते हैं, स्त्री पुरुष इनको लिंग कहते हैं, और अगले आगे आने वाला है कि बेस को भी लिंग कहते हैं। अपने अगर एक मुनि का लिंग, एक आरिका का लिंग, एक अहिलक का लिंग, और चौथा लिंग जैन दर्शन में नहीं है, पूरा लिंग पहाड़ है एक, उसमें क्या है देश ही है ना, ये आकार ही है ना, तो उसको भी लिंग कहते हैं, तो उसको भी इनने लिया, स्त्री पुरुष वाले लिंग को भी लिया, ये भी नहीं है, इनका भी निषेध किया, और वो भी लिया मेहनाकार और अमेहनाकार, है ना। द्रव्य पुरुषादि को आत्मा मानना जड़ को आत्मा मानना है, यदि द्रव्य पुरुष है, द्रव्य स्त्री है, द्रव्य नपुंसक है, ये तो शरीर है। भाव पुरुषादि को आत्मा मानना पाप तत्व है, क्यों कितने बजे देखो वो तो है जड़ तत्व शरीर, और भाव जो हमारे होते स्त्री पुरुष नपुंसक के, तो उसको हमने आत्मा माना, तो वे भाव जो है भोगने के भाव वो पाप तत्व हैं, और नहीं तो आश्रम तत्व तो हैं, पापाश्रम है ना, लेकिन इनके आप खोटे भाव नहीं भी हो तो भी आश्रम तो है ही है ना। धर्म चिन्हों को भी लिंग कहते हैं, आप कोई धर्म चिन्ह माने मुनि लिंग, आरिका का लिंग, छुल्लक इलक का लिंग, जैसे मुनि लिंग, ग्रस्त लिंग आदि, जिस आत्मा के इन धर्म चिन्हों अर्थात उन लिंगों का अभाव है वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार इस आत्मा के बहिरंग यति लिंग का अभाव है, इस कारण अलिंग ग्रहण है। इस तरह ये 17 बोल हो गए। अभी आप सहजता से इनको पढ़ेंगे तो आपके समझ में आते जाएंगे, याद रखेंगे, थोड़ा उपयोग स्तर करेंगे तो याद भी रह जाएंगे। अब अंत के 3 बचते हैं जिसमें गुरुदेव ने बहुत भजन दिया है, बहुत उसकी महिमा गाई है। वो कहते हैं ये आत्मा द्रव्य रूप भी नहीं है, गुण रूप भी नहीं है, और पर्याय रूप भी नहीं है, तीनों का निषेध। अब क्या क्या बचा, द्रव्य के लिंग से भी आत्मा पहचानने में नहीं आएगा, गुण के से भी नहीं आएगा, पर्याय से भी नहीं आएगा। देखो लिंग शब्द के लोक में प्रसिद्ध 2 अर्थ हैं, वेद और भेष, ये तो पुरानी बात है, कौन सी 16वां 17वां की, स्त्री लिंग, पुलिंग और नपुंसक लिंग, ये 3 लिंग वेद हैं, और मुनि वेश आदि भेष हैं। 16वें बोल में वेद रूप लिंगों की बात है, और 17वें बोल में धर्म चिन्ह संबंधी वेश की बात है। इन दोनों द्वारा आत्मा का ग्रहण नहीं होता, अतः दोनों अपेक्षा अलिंग ग्रहण है। अब ये जो हैं, पहले मैंने बस यही कहा था तुमसे कि ये 3 बताऊंगा मैं, बाकी नहीं पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ लेना, कहा था मैंने, कहा था, लेकिन बाद में वो सरल लिखे मिल गए ना, तो इसलिए मैंने आपको सुना दिए, उस पर थोड़ी व्याख्या भी करते हैं। अलैंगिक ग्रहण संबंधी उक्त संपूर्ण प्रकरण में गुण पर्याय और द्रव्य संबंधी
18वां 19वां और 20वां बोल सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोल हैं। इन बोलों में भगवान आत्मा को गुण विशेष से आलंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य, पर्याय विशेष से आलंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य और द्रव्य सामान्य द्रव्य से आलंगित न होने वाली शुद्ध पर्याय कहा गया है। इतनी क्या कहा गया है, शुद्ध द्रव्य और शुद्ध पर्याय। तो शुद्ध द्रव्य की तो दो अपेक्षाएं हैं कि गुण विशेष से आलंगित नहीं होता, मान गुण विशेष का मतलब है अनंत गुण वाला है और उसे हम ज्ञान एक गुण वाला कहें, तो एक गुण वाला कहना एक गुण विशेष से आलंगित होना हुआ। अनंत गुण वाले तो हम ऐसे ही कह सकते हैं, तो वो तो मिक्सर बात है, तो समझ में कुछ आती नहीं, बस अनंत ही गुण मिल गए। और एक गुण वाला बोले तो गुण विशेष से आलंगित हो गया, तो वो पूरा आत्मा पकड़ में आया नहीं। तो देखो, गुण विशेष से आलंगित ना होने वाला शुद्ध द्रव्य है, गुण विशेष से आलंगित होना ये अशुद्धि है और वैध नहीं है, और पर्याय विशेष से आलंगित ना होने वाला शुद्ध द्रव्य है। दोनों आ गए ना, गुण विशेष माने अनंत गुणों में से एक गुण और अनंत अनंत पर्याय में से एक पर्याय, गुण विशेष विशेष लगाया ना, विशेष का माने एक ही। और अब तीसरा, सामान्य द्रव्य से आलंगित न होने वाली शुद्ध पर्याय और होने वाला शुद्ध द्रव्य और सामान्य द्रव्य से, अब द्रव्य सामान्य कहे ना तो अनंत गुणों में व्याप्त होता है और अनंत पर्यायों में व्याप्त होता है, तो द्रव्य विशेष से भी आलंगित नहीं हुआ और द्रव्य सामान्य से भी आलंगित नहीं हुआ, ऐसी शुद्ध पर्याय कहा गया है। क्योंकि अलिंग ग्रहण आत्मा के ना तो लिंग अर्थात गुण ग्रहण अर्थात अर्थाव बोध है, ना लिंग माने पर्याय ग्रहण माने अर्थाव बोध विशेष है। देखो पहले मैंने अर्थाव बोध है लिखा है और दूसरे में अर्थाव बोध विशेष लिखा, ध्यान देना अंतर समझ में आ रहा। और ना लिंग अर्थात प्रतिविज्ञ ज्ञान का कारण द्रव्य और ग्रहण माने अर्थाव बोध सामान्य, यहाँ अर्थाव बोध विशेष है, यहाँ अर्थाव बोध सामान्य है और एक जगह अकेला अर्थाव बोध है। ऐसे ये तीनों बोलों से रहित ऐसे भगवान आत्मा है, न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है। तो जब भी ऐसा निषेध करते हैं तो जैसा वहाँ ऐसे ही अपेक्षा लगाते हैं कि भाई आत्मा में ज्ञान है, तो कहते नहीं है, क्यों, अकेला ज्ञान थोड़े ही है, ऐसा है, समझ गए ना, ज्ञान थोड़े ही है। आपने इनको पैसा दिया कि नहीं, ये क्या नहीं, हम तो देते देखा है, अकेला इसको ही थोड़ी दिए, अकेला इसको ही नहीं दिया, इसको भी नहीं देना बोलते हैं, मतलब ये तो हमारा कॉमन नियम है, कोई भी ले है ना, माने उसे हम पक्षपात का आरोप लगाते ना लोग, तो वो कहते हैं कि तुमने इसको ही किया है, तो कहते हम तो सबको करते हैं, जो भी तुम आते तुमको भी कर देते, हमारा कोई ऐसा नहीं है, इसे तुम आरोप हमें नहीं लगा सकते। तात्पर्य यह है भगवान आत्मा के ना तो अर्थाव बोध रूप गुण है, ना अर्थाव बोध विशेष रूप पर्याय है, अंतर समझ में आ रहा परमात्म, अर्थाव बोध रूप गुण और अर्थाव बोध विशेष रूप पर्याय। अर्थाव बोध को गुण कहते हैं और अर्थाव बोध के एक अंश को पर्याय कहते हैं, और न पृथ्वी ज्ञान का कारणभूत अर्थाव बोध द्रव्य सामान्य है। ध्यान रहे यहाँ लिंग शब्द के द्रव्य गुण और पर्याय ये तीनों अर्थ किए गए हैं, द्रव्य को भी लिंग शब्द से कहा है, गुण को भी लिंग शब्द से कहा है और पर्याय को भी लिंग शब्द से ही कहा है। ग्रहण का अर्थ गुण के संदर्भ में अर्थाव बोध, ध्यान दो, पर्याय के संदर्भ में अर्थाव बोध विशेष और द्रव्य के संदर्भ में अर्थाव बोध सामान्य किया गया है, मैंने वो छांट छांट के निकाल के रख दिया, उसमें अपन नहीं रखे और यही लिख दें तो भी पकड़ में नहीं आता, हमको भी ये निकालने में पसीना छूटा है। बहुत उपयोग स्थिर करते हैं
तब वो निकाल पाए तो दूसरों को पसीना नहीं छूटे और आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए ये सब लिखा। क्या उक्त तीनों बोलों के माध्यम से आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि परम पवित्र पर्याय सहित भगवान आत्मा ना तो गुण भेद रूप है, ना पर्याय भेद रूप है, ना द्रव्य संबंधी विकल्प रूप ही है। तात्पर्य यह है कि वह तो समस्त विशेषों के विकल्पों से रहित निर्विकल्प सामान्य रूप महातत्व है, क्योंकि यहाँ अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है वह अलिंग ग्रहण भगवान आत्मा न गुण विशेष से आलंगित है, न पर्याय विशेष से आलंगित है और न सामान्य द्रव्य से आलंगित है। वह तो शुद्ध द्रव्य और शुद्ध पर्याय रूप है। ये शुद्ध पर्याय रूप भी लिखा है। वो तुम्हारा त्रिकाली द्रव्य जो है ना, समझदार का बोर्ड नहीं है जी। ये शुद्ध द्रव्य और शुद्ध पर्याय रूप भी है। भगवान आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुणों का अखंड पिंड है। वह मात्र अर्थावबोध अर्थात ज्ञान गुण मात्र नहीं है, यही अर्थ है इसका। अनंत गुण है, अकेला ज्ञान गुण नहीं है। मात्र ज्ञान गुण को लेना गुण विशेष को लेना है। और यहाँ अलिंग ग्रहण में आत्मा में गुणों का निषेध नहीं है, गुण विशेष का निषेध है। सातवीं गाथा में समय सारे में आता ना, नरिणाम न चरित्रम न दंशनम, न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र है। ये कैसी बात करते, और सबका अखंड पिंड है। तो जब ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं होंगे तो उनका अखंड पिंड कैसे होगा? तो वो कहते जो भेद करके जो तुमने कहा वो भेद का निषेध है। और भेद करने में पूरी बात नहीं आती है। हम अकेले ज्ञान कहेंगे तो अनंत गुण की उपेक्षा होती है ना। इसलिए यदि हम पर्याय विशेष कहेंगे तो अनंत बाकी पर्यायों की उपेक्षा होती है। हम वर्तमान पर्याय सहित कहेंगे तो भूतकाल की और भविष्यकाल की अनंत पर्यायों की उपेक्षा होती है। इस प्रकार पर्याय के संदर्भ में समझना चाहिए। अलंग ग्रहण भगवान आत्मा पर्यायों के अखंड प्रवाह रूप तो है, देखो, पर एक एक पर्याय रूप नहीं। अब अनंत पर्याय रूप है और एक पर्याय रूप नहीं है, ऐसा अर्थ कहाँ निकालेंगे? अनंत है तो एक तो उसमें हो गई ना। जैसे अपन कहते हैं कि देखो सुनो, अनंत भगवान के 40 गुण हैं। पुरानी जो पूजन अपन पढ़ते थे तो उसकी जयमाला में आता था, तुम परम है, क्या बोला, परम सुगुण है अनंत, क्या बोलो, गुण गंभीर, तुम अनंत गुण वाले हो लेकिन कहने के 40 गुण आते हैं, कहवत के। तो उस वक्त तो कोई समझते नहीं था ये कहवत, कहवत क्या होता है। तो हमने अर्थ बताया कहने के, वे है नहीं, कहने के हैं। अरे कैसे नहीं है, जिसमें अनंत गुण होंगे उसमें 40 नहीं होंगे। हमने आपको 100 रुपये दिए तो 10 रुपये दिए कि नहीं दिए? जब 100 दे तो 10 तो दिए ही है ना। लेकिन ऐसा नहीं चलता लोक में भी। जब एक आदमी ने इस संस्था में 1,00,000 रुपये बोले होंगे, शिविर में मेरी तरफ से 1,00,000 रुपये खर्चा के लिए दिए जाते हैं, और हम बोलेंगे इनने 10,000 रुपये की खर्चा के लिए दिए, तो वो कहते झूठ बोल रहे। क्यों? 1,00,000 दिए ना, तो 1,00,000 में 10,000 होते हैं क्या? नहीं, तो झूठ कहाँ होगा? लेकिन झूठ है क्या? नहीं। वो कहते हैं कि तुम नहीं बोलते कि हमने कितने दिए तो चलता, लेकिन 10,000 बोलो तो नहीं चलता। माने उसको गलत माना जाता है ना लोक में। अनंत गुण हैं और 40 कहो ये ठीक नहीं। क्या जब अनंत हैं तो 40 है कि नहीं? अब इसमें एक बात, अब दूसरी बात सुनो, 40 कौन कौन से हैं? तो
84 तो अतिशय हैं और 8 प्रातिहार। तो फिर वो कहते हैं कि 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत, ऐसे ही गिनाते हैं ना। तो अब ये मैं पूछता हूँ कि भगवान का तो जन्म ही नहीं होता, तो जन्म से जो चीजें हैं वे भगवान के गुण तो नहीं हुए। भगवान का जन्म, जन्म से वे भगवान ही नहीं थे तो उनके गुण कैसे हो सकते। अब कहते हैं कि ये देव कृत 14, तो क्लियर लिखा कि देवों के द्वारा किए गए, तो भगवान के द्वारा तो किए गए भी नहीं है, तो भगवान के कैसे हो गए? वे तो देवों के हुए ना, देव कृत है ना, तो उनमें असलियत में सिर्फ 4 गुण हैं। 40 में तो मालूम कौन है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एक ये भी गुण है मालूम आपको, गंगवा साहब क्या भगवान का ये गुण है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जहां वो बैठे थे वहां ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो वो जाता शीतल मन सुगंध बयार, शीतल ठंडी सुगंधित ऐसी बयार माने हवा चल रही थी, तो ये भी एक गुण है। एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अशोक वृक्ष के नीचे, तो वो भी एक गुण है। माथे पे 3 छत्र लग रहे हैं, ये भी एक गुण है। तो ये तो बिल्कुल बाहर की चीजें हैं ना, इस लोक में भी ये मान्य कहाँ है। कैसा भी पंडित जी बहुत अच्छे विद्वान है, बहुत बहुत, हम क्या बताएं, इतनी बढ़िया टोपी लगाते हैं, एक कुर्ता पहन, अब हमारा टोपी और कुर्ता भी हमारा गुण हो गया, पहचान का चिन्ह तो बन नहीं जाता है ना तुम्हारा अनाथभूत लक्षण के अलावा के माध्यम से। ऐसे ही में भगवान के 42 तो ऐसे ही ऐसे निकल जाते हैं जो भगवान का उनसे कोई संबंध ही नहीं है। सिर्फ 4 अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत, ये तो तुमने बालभूत पाठमालाओं में पढ़ लिए होंगे ना, प्रशिक्षण जीवन में भी पढ़ लिए होंगे कई दफे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ ऐसा ही है, गुण के भेद, अनंत गुण वाला को एक गुण वाला कहना, ज्ञान वाला कहना, ये सही नहीं है। वो कहती है इससे भगवान आत्मा पकड़ में नहीं आया, भगवान आत्मा का अनंतमा भाग पकड़ में आया। हाथी की पूंछ पकड़ के कहे कि ये हाथी है, और यदि पूंछ पे ही तुम्हारा लक्ष्य जाए तो फिर हाथी को तुम पूंछ भी देते, समझ लो, तो पूंछ पे हाथ रख के तुम्हारा लक्ष्य पूरे हाथी पे जाए तो वह ठीक है, लेकिन पूरे हाथी पे लक्ष्य नहीं गया तो गलत है। इसी प्रकार पर्याय के संदर्भ में समझना चाहिए, अलिंग ग्रहण भगवान आत्मा पर्यायों के अखंड प्रवाह रूप तो है पर एक एक पर्याय रूप नहीं है। इस प्रकार दृष्टि का विषयभूत आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड तो है पर विशेष गुण रूप नहीं है, गुण भेद रूप नहीं है। अनादि अनंत पर्यायों के अखंड प्रवाह रूप तो है पर क्षणवर्ती विशेष पर्याय रूप नहीं है, पर्याय भेद रूप नहीं है। अब यहाँ जो मैं ऐसा शामिल करता था तो वो कहते थे कि देखो पंडित जी ने पर्याय शामिल कर दी। इस सोनगढ़ वाले गुरुदेव श्री का जो प्रवचन होता था उसमें इस प्रकरण में बहुत गोता खाते थे, उल्टा मान लेते, समझते ही नहीं थे। और इसमें मेरे जैसा कोई लोग बताता था तो उसको ही अज्ञानी घोषित कर देते थे, और फिर गुरुदेव की दृष्टि में जागे कभी तो ऐसा नहीं मानते। तो उस वक्त तो वहाँ पर हम सही समझ रहे, ऐसी इमेज वाला बने रहना ही बहुत बड़ा कठिन काम था, सम्य दृष्टि तो बहुत दूर की बात है। क्या कई दिन मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरी फ्री सभा में पूछते थे पर्याय को आप शामिल मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो मैं ऐसा कह रहा था ऐसी नहीं मानते हैं, ऐसी मानते हैं। जो कहते ऐसी ऐसी क्या होता है, अरे पर्याय द्रव्य में अपनापन स्थापित नहीं करे तो द्रव्य में अपनापन स्थापित करेगी तो झुक के ही करेगी ना, उसको गेय बनाएगी ना,
इस रूप में तो शामिल है ना क्या, लेकिन जिसमें अपनापन स्थापित करना है उसमें शामिल नहीं होगी। लेकिन अपन कहते हैं ना कि द्रव्य का स्पर्श नहीं करे, आत्मा साक्षात सीधा ज्ञान पर्याय से पकड़ में नहीं आए तब तक वो आत्मा का अनुभव नहीं होता है, तो उस तरह से तो शामिल होगी ही ना। इसी प्रकार है भगवान आत्मा अनादि अनंत असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक द्रव्य रूप तो है, पर द्रव्य संबंधी विकल्प रूप नहीं है, निर्विकल्प शुद्ध पर्याय रूप है। वहां कहा था निर्विकल्प शुद्ध द्रव्य रूप है और यहाँ कह रहे निर्विकल्प शुद्ध पर्याय रूप है। इस प्रकार यह आत्मा द्रव्य गुण पर्यायमय होकर भी इनसे भेद रूप नहीं है, विकल्प रूप नहीं है। यहाँ द्रव्य गुण और पर्याय को निरपेक्ष सिद्ध करना है, उन्हें अपने अस्तित्व के लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं है, वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, इसका और क्या अर्थ हो सकता है। उक्त 20 बोलों के माध्यम से भगवान आत्मा के अलिंग ग्रहण स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। ये अर्षादि और अलिंग ग्रहण भाव भगवान आत्मा के गेय स्वभाव हैं। ज्ञान स्वभाव के समान ही आत्मा के गेय स्वभाव को जानना भी आवश्यक है। गेय स्वभाव और ज्ञान स्वभाव दोनों के स्पष्ट होने पर ही भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट होता है। ये पंक्तियां मैं तुम्हें सबसे पहले पढ़वाई थी याद है, ये पंक्तियां उसको पूरे प्रकरण को समराइज किया गया है, पूरे अलिंग ग्रहण के प्रकरण को नहीं, वहां अरस अरूप से समझ में आया ना, अरस अरूप से लिखा ना, ये अरसादी और अलिंग ग्रहण भाव आत्मा के गेय स्वभाव है, तो ये अलिंग ग्रहण के में आत्मा का जो गेय स्वभाव स्पष्ट किया है कि वो हमारे जानने में आता है तो कैसा जानने में आता है, जान गेय पने की दृष्टि से उसका क्या स्वरूप है, और जानने वाला आत्मा है वो ज्ञान के की दृष्टि से कैसा अर्थ है। तो अब बोलो केवल ज्ञानमय है, सर्वज्ञत्व शक्ति से संपन्न है, ये इसका गेय स्वभाव है कि ज्ञान स्वभाव, हम तुम भगवान आत्मा को जानोगे तो भगवान आत्मा को सर्वज्ञ स्वभावी जानोगे या अल्पज्ञ स्वभावी जानोगे, तो सर्वज्ञ स्वभावी जानोगे तो उसका गेय स्वभाव हुआ ना, एक उसे हमने गेय बना करके बात कर रहे हैं, अभी जानने वाला बना करके बात नहीं कर रहे हैं, तो कि जानने वाला है स्वभाव जिसका, ऐसा ये भगवान आत्मा गेय है, जानने के स्वभाव वाला गेय है, नहीं पुद्गल जैसा गेय नहीं है कि नहीं जानने के स्वभाव वाला, जानने के स्वभाव वाला गेय है ऐसा भगवान आत्मा। अब 172वीं गाथा आज की पूरी हुई, अब वहां से 173-174 चलेंगे। अब तुम लोगों से मैंने कहा था इसे पढ़ने के लिए, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो विषय स्पष्ट हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो इसमें पढ़ना, और कम से कम पूरा नहीं पढ़ सको तो जहाँ से मैंने आपको पढ़ के बताया है कौन सा पेज था वो निकाल के बताओ मुझे जल्दी। तीन सौ 329 पेज के नीचे की दो पंक्तियाँ यहाँ से लेकर और अंत तक, इतना हिस्सा कम से कम जब तक तुम्हारी समझ में नहीं आए बार बार पढ़ना है। अपने मुमुक्षुओं में अलिंग ग्रहण के बोल यदि आपने नहीं पढ़ा पाए ढंग से तो आप फिर पंडित ही नहीं हैं, और यदि अच्छी तरह पढ़ा दिए तो महापंडित हैं। ये समझ लेना, कल में आई ना मैंने एक कुछ चीजें हैं ऐसी प्रसिद्ध 47 शक्तियाँ अलिंग ग्रहण के इतने बोल कि इनके बारे में, माने आप मोक्षु विद्वान हैं तो आपको इनका स्वरूप अच्छी तरह समझ में आना।